फिर से वही सपना देखा। उसका कॉल आया था फिर से। हाँ, और वो भी ताऊ जी के सामने। सुभाष, कल सुबह तक मेहरा जी का ऑर्डर किसी भी हालत में भिजवाना है। जी भैया, लगभग सब कुछ अच्छे से तैयार है। अदिति, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? जी पापा, कुछ दिन में एग्जाम्स हैं। रात के 10 बजे अदिति चापेटा फोन उठा। हेलो हेलो, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। मैंने कितनी बार बोला है, और आप प्लीज इतनी रात को कॉल मत कीजिए। अदिति, 1 महीना हो गया है अब, हर बार नए नए लैंडलाइन नंबर से कॉल्स आ रही हैं, और कितने नंबर ब्लॉक करेगी यार तू? लेकिन सिया, लेकिन क्या अदिति, शक्ल देख अपनी, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, रात को चैन से सो तक नहीं पाती है, ऐसा कब तक चलेगा यार? किसी और से नहीं तो एटलीस्ट अपने पापा से तो शेयर कर। हाँ बिल्कुल, ताकि वो सीधा जाकर ताऊ जी को बता दे, और फिर मेरी पढ़ाई कॉलेज सब बंद। तो ताई जी को ही बता देना। नहीं बता सकती यार सिया, ताई जी और पापा को कोई बात पता हो और वो ताऊ जी को जाकर ना बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर पे एक सामान यहाँ से वहाँ नहीं होता उनकी मर्जी के बिना, तो समझ नहीं रही। यार ये कमीना कॉलर हो कौन सकता है? मैं बता रही हूँ अदिति, ये कॉलेज का ही कोई लड़का है। सॉरी। क्या यार प्रतीक, चार चार आंखें दी उसके बाद भी देख के नहीं चल सकता? I'm sorry, अदिति सिया। It's okay, प्रतीक। चुप कर सिया, क्यों डांट रही थी बेचारे को? शेक्सपियर ने कहा है, We know what we are and know not what we may be। मतलब हम खुद को जानते तो हैं, मगर पहचानते नहीं। वक्त और हालात उसे उसकी पहचान देते हैं, क्योंकि हालात की आंधी इंसान के इस बनावटी मुखौटे को उठा देती और उसे खुद से रूबरू कराती। अरे क्लास का समय हो गया, बाकी का ड्रामा क्लास में चले। अदिति, तुमने अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया? सर वो, तुमने आज तक कभी लेट सबमिशन नहीं किया और इस बार तुम 4 दिन लेट हो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, एक्चुअली प्रॉब्लम तो है। नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 दिन में अपना असाइनमेंट सबमिट कर दूंगी। आर यू श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी फॉर द डिले। ओके। बेटा अदिति, फोन तो मेरा बजा, तुम क्यों चौंक गई? लाओ दो फोन। हेलो, हाँ पार्सल भिजवा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। बेटा अदिति, ठीक है ना? हाँ ताई जी, मुझे क्या होना था? तेरे ताऊ जी और मैंने तेरी माँ से प्रॉमिस किया था, उन्हें वचन दिया था कि हम तेरा ख्याल रखेंगे, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। बस 3 साल पहले इस घर में जो गलती हुई थी वो तुम मत दोहराना। नहीं ताई जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठाकुर साहब मिले थे, वो अपने छोटे बेटे विकास के लिए लड़की ढूंढ रहे, अदिति के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने उन्हें अदिति की फोटो दिखाई जो उन्हें पसंद है, वो अदिति से मिलना चाहते हैं। पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके बाद ठाकुर साहब अभी भी अपने बेटे के लिए? पिछली बार जो हुआ उसे भूल जाओ ज्योति, जो सामने उसे देखो। हो सकता है ठाकुर खानदान से हमारा रिश्ता होना लिखा है, और रिश्ता खुद चलकर आ रहा है। विकास अच्छा लड़का है, मुंबई में रहता है, अगले हफ्ते कानपुर आ रहा है, मिल लेगा अदिति से। पर मेरी पढ़ाई, कॉलेज का आखिरी साल है। तू फिक्र मत कर बेटा, तेरे एग्जाम्स के बाद ही तेरी शादी करेंगे। हाँ एग्जाम के बाद ही शादी होगी, लेकिन सगाई इसी महीने होगी। ठाकुर साहब अब ज्यादा रुकना नहीं चाहते, और मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ।
तू जानती तो है ताऊजी के साथ कोई बहस नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है तो शादी होकर रहेगी। मैं तुम्हारी जगह होती तो भाग जाती। ये सब कहना आसान है, और वैसे भी किस्मत में जो लिखा है उससे कौन भाग सकता है। प्रतीक, यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो नोटिस। ये नोटिस एक महीना पुराना है, आप पढ़ रहे हो उसे? तो वो मैंने देखा नहीं था, चलता हूँ सर मैं। बोलते क्यों नहीं? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अदिति, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दे सकता। कौन हो तुम? हेलो, हेलो। हाँ, अभी फिर से फोन आया था। इस बार धमकी दे रहा था कि किसी और से शादी नहीं करने देगा। अब बहुत हो गया, इस बार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। हॉरर इज द रिमूवल ऑफ मास्क, यानी कि अक्सर हर मुखौटे के पीछे की सच्चाई डरावनी होती है। और यह बात काफी हद तक सच है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की असल शख्सियत, उनकी मंशा, उनके ऊपरी चेहरे एक मुखौटे के पीछे छिपे रहते हैं। प्लैंक कॉल्स करना, किसी का पीछा करना, गुमनाम संदेशे भेजना, ये सभी अलग अलग तरीके हैं किसी को परेशान करने के, जिनका इस्तेमाल सिर्फ कायर लोग करते हैं, क्योंकि वो सबके सामने अपना असल चेहरा दिखाने से डरते हैं। 22 वर्षीय अदिति रावत भी पिछले एक महीने से ऐसी ही परेशानी से गुजर रही थी, और काफी दिनों तक नजरअंदाज करने के बाद उस दिन अदिति ने आखिरकार मदद मांगने का फैसला किया। क्या समय रहते अदिति को मदद मिल पाएगी, या फिर उसने मदद मांगने में बहुत देर कर दी? मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हूँ, बाय बाय। कॉलेज तो 5 बजे ही बंद हो गया था, पूरी कॉलोनी में देख के आ गया। पता नहीं है अदिति कहाँ चली गई। भाभी, वो अदिति की सहेली है ना सिया, उसका नंबर है क्या आपके पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है उसका नंबर। अरे वो कोई बच्ची नहीं है जो राह चलते खो जाए। शायद हमने उसे ज्यादा आजादी देकर कुछ गलती की है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अदिति को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। 3 साल पहले भी हम सब लोग यही कह रहे थे। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारी बच्ची गायब है, उसे ढूंढने के बजाय आप पुरानी बातें लेके बैठ गए। मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। सुभाष, इतने जल्दी में फैसला लेना ठीक नहीं है, सुबह तक रुकते। पुलिस के पास जाएंगे तो बात बढ़ेगी। पर भैया सुबह तक हम पता नहीं सर अदिति कहाँ है, और उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। अगर तुम्हें मिले तो बोलना मैंने बुलाया है, उसने अभी भी अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। किसी के साथ किसी तरह के झगड़े का सवाल ही नहीं है, हम तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, सीधा साधा कारोबार है। आप लोगों के पास अदिति के किसी दोस्त का नंबर कैसे नहीं? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सर। दरअसल मेरी बेटी बहुत सीधी साधी है, उसके कोई खास दोस्त भी नहीं है, बस पढ़ाई करती रहती है, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, इसके अलावा कहीं आना जाना नहीं होता। पर इस बार कहीं तो गई है वो। वैसे वो कॉलेज कैसे आते जाती थी, मतलब खुद की गाड़ी थी? नहीं सर, ऑटो से आती जाती थी।
हम अदिति की फोटो आसपास के थानों में भेज रहे हैं, उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए जिससे पता चल जाएगा कि उसने लास्ट बात किससे की। कल 3 सितंबर को अदिति कॉलेज ही नहीं आई थी। जी नहीं, पिछले कुछ दिनों से ना वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी। मैंने उसे पूछा भी था कि कोई दिक्कत है, उसने बताया ही नहीं। शायद उसकी दोस्त सिया को पता हो, शायद उसे कुछ बताया हो। सिया, अदिति कल से मिसिंग है। अगर तुम इसके बारे में कुछ भी जानती हो तो बेझिझक होकर इंस्पेक्टर साहब को बताओ। सर, अदिति को पिछले 1 महीने से ब्लैंक कॉल्स आ रहे थे। क्या? हाँ सर, और उसने इस बारे में अपने घर पे किसी को कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि उसके घर वाले बहुत पुराने ख्यालात के हैं। पर सिया, जब मैंने तुम लोगों से पूछा था कि ऐसी कोई दिक्कत है तो कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। सिया, कोई अंदाज़ा ऐसा कौन कर सकता है? कॉलेज का कोई हो सकता है? हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इनफैक्ट मैंने अदिति को कई बार बोला था कि कोई कॉलेज का ही होगा। तुम उसकी दोस्त हो, हमेशा उसके साथ रहती। कुछ तो नोटिस किया होगा तुमने कि अदिति को कोई लड़का लाइक करता हो, उसके आसपास घूमता हो। नहीं सर, अदिति ज़्यादा लड़कों से बातचीत नहीं करती थी। इनफैक्ट वो किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। विनीत जी, मुझे क्लास के सारे स्टूडेंट से बात करनी होगी, शायद उन्होंने कुछ देखा हो। और क्लास के सारे स्टूडेंट की नेम लिस्ट चाहिए होगी मुझे। जी। सिया, अदिति कॉलेज कैसे आती जाती थी? ऑटो में? वैसे तो ज़्यादातर लोग ऑटो से ही आते जाते हैं, लेकिन मैंने अदिति को कई बार प्राइवेट टैक्सी करते हुए देखा है। कोई उसे कॉल करके तंग कर रहा था तो उसे हमें बताना चाहिए था। मेरी गलती है, मैं ही शायद उसका ठीक से ध्यान नहीं दे पाया। मैंने देखा था, जब भी उसका फोन बजता था वो चौंक जाती थी। मुझे लगा शायद वो अपनी। आप कह रहे थे कि आप अदिति के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने वाले हैं, उससे कुछ पता चला? कॉल रिकॉर्ड कल तक आएंगे जगमोहन जी, तब तक हम आपके घर के आसपास चलने वाले ऑटो और टैक्सी वालों से बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक अदिति को किसी ने पहचाना नहीं है। वैसे अदिति की फ्रेंड सिया का कहना है कि वो अक्सर प्राइवेट टैक्सी से आती जाती है। अब वो टैक्सी से जाए ऑटो से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और इस बात से भी फर्क पड़ता है कि आप लोगों को उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता नहीं, और ये भी नहीं पता कि वो कॉलेज कैसे आती जाती है। हमारी गलती, पर वो ब्लैंक कॉलर वाली बात से मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। अदिति राउत के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए सर, और सर अदिति के फोन पे आखिरी कॉल जिस नंबर से आया था वो फिलहाल स्विच ऑफ है, किसी शाहिद बेग का है, और दोनों में काफी बातचीत होती थी सर। शाहिद बेग, लेकिन इस नाम का तो कोई स्टूडेंट अदिति के क्लास में नहीं है। और ये पिंक नंबर किसके? सर ये 6-7 पीसीओ के नंबर है, इनसे अदिति को लगभग 20-30 सेकंड के कॉल्स आया है। पक्का इन्हीं पीसीओ से अदिति को ब्लैंक कॉल किया गया होगा, और शायद इन कॉल्स के डर से ही अदिति ने टैक्सी में आना जाना शुरू किया होगा सर। मुझे इन सारे पीसीओ के एड्रेस चाहिए जल्द से जल्द। सुभाष, मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है। मेरा रवैया सख्त है, इसका यह मतलब नहीं कि अदिति की मुझे परवाह नहीं है, और मेरी भी तो बच्ची है। गलती मेरी है भैया, मैं उसे समझ नहीं पाया। उसकी माँ की मौत के बाद मुझे उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसे बोलने तक का मौका नहीं दे। अगर ऐसा करते तो शायद वो उन ब्लैंक कॉल्स के बारे में बता देती। मैंने शायद उसे पहचानने में भूल कर दी, उस पर शक किया। मुझे लगा वो भी हमें धोखा देकर भाग गई, लेकिन मैं किसी भी हालत में उसे घर वापस लाकर ही रहूंगा। तब ये रोड का पीसीओ है, अब 4 घंटे पहले कौन आके गया मुझे याद नहीं है। हाँ साहब, सीसीटीवी लगवाया ना, आजकल क्या मालूम कब जरूरत पड़ जाए। ये तारीख है, इस टाइम के बीच के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। सर, 6 पीसीओ में से सिर्फ 2 जगह सीसीटीवी था, और सर 1 पीसीओ से 21 अगस्त को कॉल आया था अदिति को रात को 11:15 बजे, और दूसरे पीसीओ से 31 अगस्त को कॉल आया था रात को 10:35 पर। आई होप हमें वो कॉलर दिख जाए।
पूरे फुटेज में शक्ल तो नजर ही नहीं आ रही, सिर्फ पीठ नजर आ रहा है। काफी शातिर मालूम पड़ता है, कैप पहन कर आया था। जी सर। हाँ सर, मैं अभी आती हूँ। ध्यान से देखना सिया, चेहरा नहीं दिख रहा है, पर शायद बॉडी लैंग्वेज से तुम पहचान जाओ। सर, ये आदमी बार बार अपनी रिस्ट वॉच एडजस्ट कर रहा है सर, ये आदत तो सर, ये आदत हमारे प्रोफेसर विनीत की है। मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, कोई सड़क छाप रोमियो नहीं हूँ। आपको क्या लगता है मैं एक लड़की को ऐसा परेशान करूंगा? सर आप लोग गलत कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर आप मुझे कैसे लेकर आ सकते हैं? तुम्हारे फोन के लोकेशन डिटेल्स देखे हमने, अदिति को जिस पीसीओ से जिस टाइम पर ब्लैंक कॉल किया गया उसी जगह उसी टाइम तुम्हारा फोन भी मौजूद था। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा अपना फोन घर पे। मैकबेथ अपने राजा के प्रति बहुत वफादार, पर लेडी मैकबेथ के कहने पर उसके मन में भी राजा बनने के ख्वाब जाग गए। फिर क्या था, उसके एक वफादार मुलाजिम होने का मुखौटा गिर गया और खुद अपने हाथों से उसने अपने राजा को मार डाला। अब सोचने वाली बात यह है कि शायद मैकबेथ को यह खुद नहीं पता था कि उसके वफादारी के मुखौटे के पीछे एक दगाबाज शख्स है। इंसानी फितरत का कोई भरोसा नहीं होता, कभी कभी चेहरे के पीछे की असलियत बहुत भयानक होती है। तो, क्लास का टाइम हो गया, अगली बार नेक्स्ट एक्ट पढ़ के आइएगा, वो डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं लगता मैकबेथ ने कोई मुखौटा पहना था। इंसान खुद को ही ना पहचान सके ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है मैकबेथ ने ये सब उसकी बीवी के प्रभाव में आकर किया था। फाइनली इस क्लास में कोई तो है जो लिटरेचर में दिलचस्पी लेता है, वरना बाकी सब तो उल्लू की तरह ताकते रहते हैं। और रहा ताल्लुक तुम्हारे सवाल का, तो ये सवाल तुम अपने आप से पूछो। पिछले एक साल में पहली बार तुमने मुझसे आके कोई सवाल किया है, क्या तुमने कभी ये सोचा था कि तुम सामने से आकर मुझसे शेक्सपियर डिस्कस करोगी? शायद ऐसी भी कोई अदिति है जिसे हम क्या तुम खुद नहीं जानते। वो बहुत शांत स्वभाव की थी, बाकियों से बिल्कुल अलग। मैं उसे करीब से पढ़ना चाहता था, जानना चाहता था। उसकी सादगी मुझे भाने लगी थी, वही मीठी आवाज़ सुनने के लिए मैं उसे ब्लैंक कॉल्स किया करता था, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई उसे बताने की। फिर इस बीच मुझे पता चला कि उसकी शादी की बात चल रही है। अदिति अभी सिर्फ तू 22 साल की है, इतनी जल्दी शादी कौन करता है? और तूने कुछ बोला नहीं। तू जानती तो है ताऊ जी से कोई बहस नहीं कर सकता, उन्होंने कहा है तो शादी होकर है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, वो ऐसे कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती थी? इसलिए उस दिन मैंने उसे कॉल करके पहली बार बात की। अदिति, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दे सकता। तेरी लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे, ये बता अदिति कहाँ है, क्या किया तूने उसके साथ? सर मैंने उसके साथ में कुछ नहीं किया है। चुपचाप सच बता दे, अब लेक्चर खत्म, प्रैक्टिकल शुरू होगा जिसमें सिर्फ सच बाहर आएगा। शंभू। जी सर। शुरू हो जा। किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते यार, प्रोफेसर विनीत जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं? कौन असल में क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता। बेचारी अदिति, एक तो पहले ही उसके घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी और अब ये ब्लैंक कॉल्स का चक्कर आके उसके सर पड़ गया। तुझे अंदाजा भी नहीं होगा यार कि उसके घर वाले हर बात को लेके कितनी रोक टोक करते थे। मैंने क्या किया पापा, जीन्स पहनने में क्या गलत है? बाकी लड़कियां भी तो पहनती हैं। दुनिया अगर गलत करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी देखा देखी हम भी गलत करें। तो जानती है ना ताऊ जी को, उन्हें ये सब पसंद नहीं है। और आपको पापा, मैं जानती हूँ पापा, नाम सिर्फ ताऊ जी का आता है पर आपकी सोच भी उनसे कुछ अलग नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम जिस समाज में रहते। पापा आप भी उन्हीं की तरह हैं, समाज की तरह, जो हर वक्त बस लड़कियों पर पाबंदियां लगाने के लिए और उन्हें हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए खड़े होते हैं। काश आज माँ जिंदा होती, वो ऐसा कभी नहीं होने देती। अदिति
सर अदिति को मैंने किडनैप नहीं किया है, ये आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। कोर्ट में पेशी है तेरी, हमने अर्जी दाखिल की तुझे रिमांड पर लेने के लिए। अब देखते हैं तू सच कैसे नहीं बोलता। 10 दिन हमारे साथ जेल में रहेगा ना तो सब उगल देगा। सर एक बात बहुत अजीब थी, अदिति रोज एक प्राइवेट टैक्सी में आया जाया करती थी, और यही नहीं रोज वो टैक्सी एक ही होती थी। प्राइवेट टैक्सी, मालिक सबका एक है। देख प्रोफेसर, तू बच्चों को भले ही कुछ भी पढ़ाता हो, यहां हमें पढ़ाने की कोशिश मत करना। सर मैं सच बोल रहा हूं, अक्सर कॉलेज खत्म होने के टाइम पर मैं गेट पे खड़ा रहता था अदिति को जाते हुए देखने के लिए। तब मैंने कई बार देखा वो व्हाइट कलर की प्राइवेट टैक्सी में ही जाया करती थी। शायद मेरा ध्यान हमेशा अदिति पर था, इसलिए इस बात पर कभी ध्यान नहीं गया। काफी झूठ बोल रहा है प्रोफेसर, कहानियां सुनाने में माहिर है सर। एक लीड मिली है, चेक तो करना पड़ेगा। 4 दिन हो गए अभी तक अदिति अपने घर वापस नहीं लौटी, और वैसे भी प्रोफेसर विनीत के कॉल रिकॉर्ड साफ है। तुम खबरी आसिफ से बात करो, बोलो कि एक व्हाइट कलर की प्राइवेट टैक्सी है जिस पर मालिक सबका एक है लिखा हुआ, उसके बारे में पता करें। जी सर। आसिफ को बोलना कि कॉलेज के आसपास पता करें, टैक्सी रोज वहीं जाती थी। घर आ जाइए। अरे लेकिन हुआ क्या है? जिसका डर था वही हुआ। आप सवाल मत पूछिए, बस जल्दी घर आ जाइए। देखो मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी में। तुम साफ साफ बोलो क्या हुआ है। सर ये गंगा शंकर टैक्सी मालिक। सर ये टैक्सी मेरी है लेकिन मैं इसे किराए पर देता हूँ। इसका ड्राइवर शायद बेग। शाहिद बेग, कहाँ मिलेगा ये शाहिद बेग? अब ये तो पता नहीं, 3 सितंबर को आया था यहाँ, टैक्सी की चाबी वापस कर रहे हैं हमेशा के लिए। सेठ जी आपकी चाबी। ऐसे अचानक क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं सेठ जी, बस अब कुछ और करना चाहता हूँ, यहाँ से दूर। दूर मतलब अपने गांव जा रहे हो? नहीं, मुंबई। ये बोलकर वो चला गया और उसके बाद मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। शाहिद का कोई एड्रेस है आपके पास? शायद वहाँ से कुछ पता चले। हाँ शायद जिस बस्ती में रहता है वहाँ का एड्रेस है मेरे पास। सर अदिति के फोन पे आखिरी कॉल किसी शाहिद बेग का ही था। ये वही होगा, नंबर क्रॉस चेक करो। अदिति और शाहिद में देर रात तक लंबी बातें होती थी, पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि अदिति एक टैक्सी ड्राइवर से इतनी क्यों बात करेगी। सब ये रहा शाहिद का पता हुआ उसका फोन नंबर। ये वही शाहिद बेग है। सर ये बालक यहीं शाहिद रहता था, 2 साल पहले उसने ये घर मुझसे किराए पे लिया था। आइए सर। शाहिद ने कमरा कब खाली किया? 3 सितंबर को? हाँ साहब उसी दिन किया था। कुछ बताया था उसने कहाँ जा रहा है? जमुना भाई इस बार दुबई जा रहा हूँ, किस्मत आजमाने। ये चल क्या रहा है शाहिद के दिमाग में, सबको अलग अलग जगह बताकर खुद गायब हो गया। अदिति हमेशा शाहिद की टैक्सी से आती जाती थी और शाहिद ने अपनी टैक्सी 3 सितंबर को वापस की, और उसी दिन से अदिति और शाहिद दोनों गायब हैं। ये महज इत्तफाक तो नहीं हो सकता। सर यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। ये शाहिद की पड़ोसन बता रही थी कि शाहिद के घर पे किसी लड़की का रेगुलर आना जाना था। हाँ साहब ये तो वही लड़की है जो शाहिद के घर पे आती थी। सब ये लड़की का और शाहिद का चक्कर चल रहा था, पर सब एक बात बोलो, ये दोनों साथ में बहुत खुश दिखते थे, और ये लड़की तो शाहिद को बहुत प्यार करती थी। सब खुशी खुशी उसके घर का सारा काम कर लिया करती थी। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो? तू देखने दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुखार है ना, आराम करना चाहिए। चलो अंदर चलो। अच्छे बड़े घर की लड़की, कॉलेज जाने वाली, अपनी उम्र से काफी बड़े टैक्सी वाले के प्यार में पड़ गई, और इतना ही नहीं अपना घर छोड़कर उसके साथ भाग भी गई। कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया ये? नहीं पीढ़ी है सर, फिल्मों से सीखते हैं इन लोग। और फिर इस अदिति के घर वाले तो काफी पुराने ख्यालात के हैं,
शायद के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और ये सच भी हमें रावत फैमिली को बताना ही होगा। कॉल डिटेल से तो ये लगता है कि अदिति और शाहिद आपस में काफी लंबी लंबी बातें करते, और इतना ही नहीं अदिति शाहिद के घर भी आ जाया करते। वहाँ के आस पड़ोस के लोगों ने अदिति को कई बार देखा है, इसलिए हमें यकीन है कि अदिति और शाहिद एक दूसरे से प्यार करते थे और इसलिए भाग। शाहिद के गाँव रायबरेली का एड्रेस मिला है, हम वहाँ जाकर पता करने की कोशिश। रहने दीजिए, आपकी मदद का बहुत बहुत धन्यवाद। अब उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, अदिति खुद हमसे रिश्ता तोड़कर चली गई है। आप तकलीफ मत उठाइए, इस केस को क्लोज कर दीजिए। एक बार अदिति हमें मिल जाए उसके बाद तो ये केस हम क्लोज ही कर देंगे। हम लोगों ने फैसला कर लिया है, हमें उनसे कोई वास्ता रखना नहीं है और ना ही इस केस। जब आप लोग खुद अदिति को नहीं ढूंढना चाहते तो ये केस हम क्लोज कर देंगे। अदिति का मिसिंग केस अचानक ही एक अनदेखे मोड़ पर आकर थम गया था। अदिति ने अपने घर वालों को छोड़ने का फैसला लिया और बदले में उसके परिवार वालों ने अदिति के लिए भी वही फैसला लिया था, अदिति को छोड़ने। लेकिन सच इतना सरल नहीं था और कुछ ही दिनों बाद सामने आने वाली एक दुर्घटना का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। सर इस तरफ आइए, दिखाता हूं आपको। विक्टिम का गला घोटा गया है, कपड़े भी फटे हुए हैं, शायद रेप किया गया है और लाश को उस बोरी में लाया गया है। लड़की गांव की रहने वाली नहीं लगती है। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, इसकी फोटो भी दिखाई लेकिन कोई पहचान नहीं पाया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेजिए दो, इसकी फोटो भी आसपास के थानों में भेज दो, शायद वहां से आइडेंटिफाई हो जाए। तो विक्टिम की फोटो दिल्ली, नोएडा और आसपास के थानों में भेजी लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। शायद विक्टिम यहाँ की हुई नहीं, तो एक काम करो, हमारे सोशल मीडिया ग्रुप की हेल्प लो और विक्टिम की फोटोज उसमें भी सर्कुलेट करो। सोनाली, अरे कहाँ हो भाई, लेट हो रहा है यार, मुझे जल्दी लाओ। हाँ बस 5 मिनट, आपका टिफिन रेडी है। ए सोनाली, मेरा टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? क्या हुआ? डेथ गला दबाने की वजह से हुई है। रेप? विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव थी, अंदरूनी जांच के बाद ऐसा लगता है कि रेप नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हाथ में और पीठ पे जिस तरीके के खरोंच के निशान है उससे लगता है शायद जबरदस्ती करने की कोशिश जरूर की गई थी। और जब कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पाया तो गुस्से में आकर उसने इसे मार डाला। डॉक्टर, इसका मर्डर कब हुआ होगा? लगभग 24-25 घंटे पहले। 24-25 घंटे पहले, मतलब 11 सितंबर की रात को। ऐसे नहीं, ऐसे बना, ठीक है? आ जा। बस करो भी बतख जैसे मुंह बनाना, ये कपड़े पहले सुना ली, तेरे पापा आते ही होंगे। आप आओ हमारे साथ फोटो खींचो। अरे मैं कहाँ? बैठो ना, बैठ। अरे मुझे नहीं आता ये सब। ताई जी, हमारी फोटोज ही नहीं है साथ में। देखो सिर्फ आपको बस ऐसे करना। कैसे? ऐसे, ठीक है? आओ। बहुत शैतान हो गया तुम। अगली बार ना आप ताई जी के लिए भी ऐसी ड्रेस लेके आना। चुप, बेशरम। ये मेरे चाचा जी सुभाष रावत की बेटी है सर, हमारा घर कानपुर में है। अदिति, अदिति वहीं रहती थी। आपने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया? नहीं सर, हिम्मत नहीं उन्हें फोन करने की। पिछले 3 सालों से कोई बातचीत नहीं हम लोगों के बीच में, क्योंकि मैंने भागकर भानु से शादी की थी, वो आखिरी बार था।
जब मैंने उसे देखा था। आप हमें अपना कानपुर का एड्रेस दे दीजिए और अपने घर वालों के फोन नंबर्स, हम इन्फॉर्म कर देंगे। सुभाष, ये जमीन बहुत अच्छी जगह पर है, यहाँ हम बड़ा कारखाना बनवा सकते हैं जहाँ कपड़े स्टोर करे जाएंगे, और ये हमारे फैक्ट्री से ज्यादा दूर भी नहीं है। सुभाष, बड़ा ध्यान कहाँ है भैया? वो नहीं, वो बस दिल पर अच्छे बुरे का बोझ मत रखो, हमने कुछ गलत नहीं किया है, जो भी कुछ हुआ है उसके लिए अदिति खुद जिम्मेदार है, इसके बारे में बात करना भी फिजूल है, जो हुआ उसे भूल जाओ। सुनाली ने जो नंबर दिया था उस नंबर पर रिंग तो जा रही है पर कोई फोन उठा नहीं रहा है। असल मैंने कानपुर पुलिस स्टेशन के PSI अजय माथुर जी से बात की, अदिति की मिसिंग कंप्लेंट वही हैंडल कर रहे थे, 4 सितंबर को मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई थी। हाँ हाँ, अदिति रावत, उसके मिसिंग कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन मैंने की थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। हाँ, एक टैक्सी ड्राइवर था शाहिद बेग नाम का, अफेयर था दोनों का, उसी के साथ चली गई। हम उन दोनों को ढूंढने में आगे बढ़ ही रहे थे कि अदिति की फैमिली ने केस क्लोज करने के लिए बोल दिया। सुधा, तुम तुरंत कानपुर के लिए निकलो और अदिति की फैमिली से मिलो, तब तक हम यहाँ सोनाली से बात करके देखते हैं, शायद उसे शाहिद के बारे में कुछ पता हो। ओके सर। सर, ये अदिति और शाहिद की जोड़ी थोड़ी अजीब नहीं है? अदिति एक अमीर लड़की है, शाहिद एक टैक्सी ड्राइवर, सोचने वाली बात यह कि इन दोनों का मेल हुआ कैसे? आखिर अदिति को शाहिद से प्यार कैसे हुआ? उन दोनों में आखिर क्या मेल हो सकता था? इंसान के मन मंशा की कोई वजह नहीं होती, इस प्रेम कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आइए मैडम, बैठिए। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं ऑटो ले लूंगी। मैडम, आप ऑटो का किराया दे देना, बहुत देर से देख रहा हूँ दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं है, आप ऐसे ही धूप में खड़ी हैं, आपको भी ऑटो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और मुझे भी सवारी मिल जाएगी, बैठिए ना। ये उनकी पहली मुलाकात थी। मतलब तुम अदिति के रेगुलर टच में थे? हाँ सर, अभी इसी साल हमारी बातचीत शुरू हुई थी। घर से भागने के बाद बड़ी हिम्मत करके मैंने उसे फ़ोन किया था। उसने घर पे किसी से नहीं बताया था कि हम लोगों के बीच में बात होती है, क्योंकि मेरे पापा यानी अदिति के ताऊजी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं सर, और कोई उनकी मर्जी के खिलाफ जाए ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। सोनाली, तुमने लव मैरिज की थी, कोई गुनाह नहीं किया था? लेकिन सर, मेरी पापा की नज़रों में ये किसी गुनाह से कम नहीं है। अदिति एक पढ़े लिखे रईस परिवार से थी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक टैक्सी वाले के प्यार में कैसे आ गई। सर, ये बात मुझे भी बहुत अजीब लगी थी, मैंने पूछा भी था उससे। सर, दीदी, शाहिद भी अक्सर यही कहता है कि रूप की रानी सड़कों के राजा की लव स्टोरी है हमारी। मुझे यकीन है कि हमारा मिलना लिखा था। और रही बात मजहब जात पात के भेद की, तो मैं ऐसी ओछी बातों में विश्वास नहीं रखती। मैं जात पात की बात नहीं कर रही हूँ अदिति, मैं लोगों के पढ़े लिखे होने के नजरिए उनके इंटेलेक्चुअल लेवल की बात कर रही हूँ। तूने कहा था ना कि वो सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा है, उसे तो तेरी बात भी समझ नहीं आती होगी। तुम लोग बात क्या करते हो आपस में? बातें करने के लिए इंटेलेक्चुअल लेवल की नहीं, बस इंसान में थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाना ही काफी होता है। कौन सी किताब पढ़ रही हैं मैडम जी? क्यों? इतने ध्यान से पढ़ रही हैं तो काफी अच्छी ही होगी। द ट्रेजेडी ऑफ एथेरोविक कनेक्शंस। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाम! मैं तो ये नाम याद करने गया तो पूरा हफ्ता लग जाएगा। मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक था बचपन में, लेकिन वो अरमान कभी हकीकत नहीं बन पाया। क्यों? अब्बा का इंतकाल हो गया था बचपन में, इससे पहले कि कुछ समझ पाता कंधे से स्कूल बस्ता हटाकर सर पे बोझ डाल दिया गया। घर चलाने के लिए अम्मी की मदद करनी थी तो तब से लेकर अभी तक वही करता चला आ रहा हूँ। मतलब उसने तुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और तेरा दिल पिघल गया? मैंने उस पर तरस खाकर उसे पसंद नहीं किया है, बल्कि उसके आने से मुझे पहली बार कोई ऐसा मिला जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी उम्मीद के मुझ में दिलचस्पी दिखा रहा है, जो मुझे वक्त देना चाहता है, मुझे सुनना चाहता है। और दीदी, आपको पता है शाहिद बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। ना कुछ हुआ है उसके साथ, मगर फिर भी हंसता रहता है और हमेशा मुझे हंसाने में लगा रहता है। सॉरी मैडम, वो एक बात याद आ गई, वो मेरी पड़ोसन है ना,
उसको जब बुखार होता है ना तो वो बहुत खुश हो जाती है। पता है क्यों? उसे लगता है वो बहुत हॉट लग रही है। टैक्सी में आते जाते दोनों के बीच प्यार हो गया और बात यहां तक आगे बढ़ गई कि दोनों ने भागकर शादी कर ली। सर यही बात मुझे भी परेशान कर रही थी और मुझे नहीं लगा था वो घर से भागकर शाहिद से शादी कर लेगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? वो टैक्सी वाले शाहिद ने मेरी अदिति को मार दिया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है सुभाष जी, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये है कि शायद शाहिद को भी मार दिया गया होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसी कमीने ने अदिति को मारा होगा। मैंने उसे तभी पहचान लिया था जब वो दोनों शादी करके यहाँ आए थे हमारे पास। क्या आप लोग पहले से जानते थे कि उन दोनों ने शादी कर ली थी? शाहिद पहले से शादीशुदा था तो फिर अदिति उसके साथ भागी क्या? सर यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है। अदिति ने कहा था कि शाहिद ने उसके साथ धोखा किया है। शाहिद ने मुझे धोखा दिया है दीदी, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, उसने मुझे अंधेरे में रखा। छोड़ो, काम करने दो, सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक कर रखा है, इसीलिए बीमार पड़े थे तुम। हाँ तो ये बीमारी की तो मेहरबानी है जो तुम मेरे गरीब खाने में आई। हाँ बस हाँ, अब ठीक से सफाई करने दो, ठीक से साफ सफाई नहीं होगी तो वापस बीमार पड़ जाओगे। अदिति मेरी बात सुनो, जो तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने पहली बार किसी पर भरोसा किया, दिल से सच्चा प्यार किया और तुमने बदले में मुझे क्या दिया? तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अदिति सुनो मेरी बात सुनो, अदिति अदिति, पिछले एक महीने से मेरी अदिति से बात नहीं हो पाई थी सर, इसीलिए इस सब के बाद उन दोनों के बीच क्या हुआ मुझे नहीं पता सर, पर अदिति की बातों से ये जरूर लगता था कि वो शाहिद से बहुत ज्यादा प्यार करती है। कौन सा प्यार? साफ साफ दिख रहा है कि उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अदिति को फंसाया और भगाकर शादी करके ले आया हमारे पास। उसने सोचा कि शादी करेंगे तो हम कुछ बोलेंगे नहीं और वो घर जमाई बन के बैठेगा। कब आए थे यहाँ मिलने के लिए? गायब होने के 5 दिन पहले, मतलब 8 सितंबर को। जी, अदिति आशीर्वाद लेने आई थी शाहिद के साथ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया इसलिए मैंने तुरंत इन्हें फोन किया। देखो मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी में, तुम साफ साफ बोलो क्या हुआ है। अदिति आई है शादी करके। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अदिति ये सब क्या नाटक है, क्या चल रहा है, ये कौन है लड़का? जी मैं शाहिद बेग, टैक्सी चलाता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और नई जिंदगी शुरू करने से पहले आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। पापा प्लीज एक बार मेरा साथ दे दीजिए पापा, सच में शाहिद से बहुत प्यार करती हूँ। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम एक बार तो बता देती, तेरे ताऊ जी को पता चला ना तो। सुभाष इनसे कह दे यहां से चले जाए। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से, हम समझ लेंगे कि तू भी सोनाली की तरह मर गई हमारे लिए। लेकिन याद रखना, जो लोग बुजुर्गों का दिल दुखा के खुशियां ढूंढते हैं ना, जिंदगी उन्हें कभी खुश नहीं रखती। आपने तो हमें कुछ नहीं बताया, सीधे कहा कि केस क्लोज कर दो। हाँ तो और क्या कहते। लेकिन शाहिद और अदिति तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, तो फिर शाहिद अदिति को क्यों मारेगा? अदिति अपने साथ अपने सारे गहने और कुछ कैश लेकर भागी थी, जिसका पता हमें कुछ दिनों बाद चला। गहनों की कीमत ही लगभग 10-15 लाख होगी। शाहिद को सिर्फ पैसे से मतलब था, उसने 10-15 लाख का मुनाफा देखा और मार दिया अदिति को। अदिति के घर वालों को शाहिद पे शक है, देखने से तो ऐसे ही लगता है। शाहिद पहले से शादीशुदा था, अदिति ने शाहिद से शादी की जिद की होगी तो शाहिद को मजबूरन अदिति से शादी करनी पड़ी।
लेकिन सुधा हम ये नहीं जानते कि खुद शाहिद सही सलामत है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि उसकी लाश भी कहीं जंगल में ही कहीं पड़ी हो सकता है कि अदिति के परिवार वालों ने दोनों को मरवा दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? ऐसा हमें नहीं, अदिति के ताऊ जगमोहन की सगी बेटी सोनाली को लगता है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सर, जब मैं और सोनाली घर से भागे थे तब इनके पापा ने हमारे पीछे गुंडे भी भिजवाए थे। गुंडे? यस सर। सर वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उनके हाथ में नहीं आए और हम शहर से बाहर भाग गए। सोनाली, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा अदिति को चोट पहुंचा सकते हैं? यकीन से तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कल को अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो मुझे हैरानी नहीं होगी सर। और इतना बता सकती हूँ सर कि खानदान की इज्जत और खानदान के बच्चों के बीच अगर किसी दिन किसी मोड़ पे मेरे पापा को किसी एक चीज़ को चुनना होगा तो वह आग बंद करके खानदान की इज्जत को ही चुनेंगे सर। अदिति की बॉडी कल सुबह मिलेगी। अदिति ने भले ही अपने औलाद होने का फर्ज ना निभाया, लेकिन हम तो बड़े हैं, हमें अपना फर्ज निभाना ही होगा। उसका अंतिम संस्कार करना। इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से कुछ सीखे, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी अदिति ने वही गलती दोहराई। उसे वही मिला जो उसने बोया था। अब आप उसे क्यों कोस रहे हैं? वो तो जिंदा भी नहीं है। जिंदा नहीं है क्योंकि उसने परिवार और इज्जत को छोड़कर एक मक्कार का हाथ थामा था। शरीर की गलती थी, उसको सजा मिल गई, लेकिन आत्मा को मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए उसका दाह संस्कार करके हमें अपना फर्ज निभाना है। हमें सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस वक्त शाहिद कहाँ है, क्या सबके पीछे उसी का हाथ है या फिर वो खुद एक विक्टिम। सर, जहाँ अदिति की लाश मिली उसी जंगल वाले एरिया में हम लोग शाहिद की डेड बॉडी को भी सर्च करें, शायद कोई जंगली जानवर उसे अंदर खींच कर ले गया। अगर खुद शाहिद मर चुका है तो फिर साफ साफ ये ऑनर किलिंग का केस बनता है, और ये काम अदिति के ताऊ जगमोहन और उसके पिता सुभाष का हो सकता है। शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जगमोहन की बेटी सोनाली को भी अपने पिता पर भरोसा नहीं है। वैसे इन लोगों के अलावा और किसका काम हो सकता है? प्रोफेसर विनी, कानपुर के पीएसआई अजय माथुर बता रहे थे इस प्रोफेसर के बारे में। फाइनली इस क्लास में कोई तो है जो लिटरेचर में दिलचस्पी लेता है, वरना बाकी सब तो उल्लू की तरह ताकते रहे। अदिति से एक तरफा प्यार किया करता था, ब्लैंक कॉल भी किया करता था, यहाँ तक कि सर उसने धमकी भी दी थी अदिति को किसी और से शादी ना करने की, और जब कॉलेज वालों को इसके बारे में पता चला तो उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। इस वक्त कहाँ है विनी? माथुर सर बता रहे थे कि कॉलेज से निकाले जाने के बाद वो अपने घर में बंद। क्या करता बेचारा ओथेलो, प्यार में जलन होना स्वाभाविक है, वो अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने खुद उसको मारा। अदिति अपने इर्द गिर्द बंदी बेड़ियों को तोड़कर खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, वो अपने मन मुताबिक अपने प्यार के साथ जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसके सपने के साथ साथ उसे भी मार दिया था। प्यार के नाम पर अदिति की बलि चढ़ाई गई थी, अपनेपन का मुखौटा पहनकर किसी ने उसके साथ विश्वासघात किया था, धोखा किया था, लेकिन इस धोखे के पीछे आखिर था कौन? उसका अपना पति शाहिद, जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था, या फिर उसके अपने पिता और उसके ताऊ जी जिन्होंने उसे बचपन से बड़ा किया था, या फिर ये काम किसी और का था? कोई ऐसा जिसने अपनेपन और दोस्ती का मुखौटा पहनकर यह खेल इतनी अच्छी तरह से खेला कि अदिति को भी उसके भयानक इरादों की भनक तक नहीं लगी। इन सारे सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर होंगे कल रात 10:30 इस केस के दूसरे और आखिरी भाग। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।